भारत और चीन में एक बड़ी जंग शुरू हो गई है। ये जंग अरबों के खजाने के लिए है। समंदर में खजाने का एक बड़ा पहाड़ मिला है। इस पहाड़ पर कब्जा करने के लिए भारत और चीन ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि भारत के सबसे दक्षिणी छोर से 1350 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीच कोबाल्ट का एक पहाड़ मिला है। कोबाल्ट के इस पहाड़ पर कई देशों ने दावा करना शुरू कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि कोबाल्ट एक बेशकीमती धातु है। कोबाल्ट के लिए कई देश पागल हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों और लिथियम बैटरियों में किया जाता है। आप जानते ही हैं कि लिथियम बैटरियों के बिना आज पूरी दुनिया रुक जाएगी, इसीलिए आपको कोबाल्ट की कीमत का अंदाजा भी हो गया होगा। कोबाल्ट से प्रदूषण कम होता है और ये ज्यादा टिकाऊ होता है। अगर ये पहाड़ भारत को मिल जाता है तो देश को ऊर्जा की जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन खतरे की बात यह है कि चीन ने भी इस पहाड़ पर कब्जा करने की तैयारी कर ली है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कोबाल्ट के इस पहाड़ का नाम अफानासी निकितिन सी माउंट है। ये भारत के बजाय श्रीलंका से ज्यादा करीब है। भारत और श्रीलंका दोनों ही इस पहाड़ पर खनन करना चाहते हैं। अगर श्रीलंका को इस पहाड़ का अधिकार मिल जाता है तो चीन इस पहाड़ को श्रीलंका से हथिया लेगा। इसीलिए भारत श्रीलंका से भी इस मुद्दे पर बात कर रहा है। भारत 15 सालों तक कोबाल्ट के इस पहाड़ पर रिसर्च करना चाहता है। पहाड़ पर रिसर्च करने के लिए भारत ने इसी साल जनवरी में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी ISA से परमिशन मांगी थी। नियमों के मुताबिक अगर किसी देश को समुद्र में कुछ रिसर्च करनी होती है तो इसकी मंजूरी ISA देता है, खासकर ऐसी स्थिति में जब वो इलाका किसी देश के अधीन ना आता हो। साधारण तौर पर किसी देश की समुद्री सीमा उसकी जमीन से 12 नॉटिकल मील यानी 22.2 किलोमीटर तक मानी जाती है, लेकिन कोबाल्ट का ये पहाड़ भारत से काफी दूर है, इसीलिए ISA से मंजूरी लेना बेहद जरूरी है। भारत ने तो ISA को 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस देने का भी वादा किया है, लेकिन ISA ने फिलहाल भारत को मंजूरी नहीं दी है। ISA ने कहा है कि एक और देश है जो इस पहाड़ पर अपना अधिकार चाहता है, हालांकि इस देश के नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। भारत जानता है कि ये देश श्रीलंका ही हो सकता है, लेकिन भारत जानता है कि अगर इस पहाड़ का अधिकार श्रीलंका को मिल गया तो चीन ये पहाड़ उससे छीन लेगा।